कोटा शहर में आतंक का पर्याय बन चुके 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़े गए बदमाशों में से 2 के खिलाफ पुलिस 7,000 का इनाम भी घोषित किया गया। वहीं इन बदमाशों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कुल 78 मामले दर्ज हैं। बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती व लूट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक कार व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। शहर में आए दिन होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं में कोटा शहर पुलिस को इनके लंबे समय से तलाश थी। मामले का खुलासा करते हुए कोटा पुलिस एडिशनल SP भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया कि कुनहांडी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनलाल सुखाड़ी आवासीय योजना के खाली पड़े मकान में कुछ बदमाश छुपे हुए हैं। जहां पुलिस ने जब मौके पर पहुंच के देखा तो इमरान पर्ची गिरोह के शातिर बदमाश सलमान शाहरुख अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य बदमाशों का खुलासा भी होने की संभावना है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि हाल ही में एक बस चालक ने जब इनकी गाड़ी को साइड नहीं थी तो उस पर भी इन बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे एक घायल कर दिया। फिलहाल शातिर बदमाशों से कोटा पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। शक महोदय विकास पाठक सर ने अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें आपने देखा होगा कई दिनों से रेड कई जगह मतलब जो है दबिशें हो रही है और जो बस्तियां हैं क्रिमिनल बस्तियां वहां रेड हो रही है। उसी सिलसिले में SHO कुन्हाड़ी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम ने मोहनलाल सुखाड़िया जो एक आवासीय योजना है उसमें डकैती की योजना बनाते हुए 5 साथीर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 6 को इस 6 बदमाशों में से एक सलमान इनका जो मुखिया है उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। एक शाहरुख उस पर भी 2,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। और ये सभी जो 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इसमें सलमान के खिलाफ अब तक टोटल मिला के और 29 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा शाहरुख के खिलाफ भी जो है वो 20 मुकदमे दर्ज हैं और करीम हकला इसके खिलाफ 17 प्रकरण दर्ज हैं और जो शाहनवाज हैं इसके खिलाफ 3 और सरफराज के खिलाफ 4 और आसिक के खिलाफ 5 प्रकरण टोटल दर्ज है, जिसमें वो पेंडिंग अनुसंधान भी इसमें शामिल हैं। सलमान जो है वो सबसे शातिर बदमाश हैं जो इमरान पर्ची गिरोह का सारे ये उसी गिरोह के सदस्य हैं और लंबे टाइम से फरार चल रहा था। इसने अभी 15 सितंबर को नवरंग एक बस है उसका ड्राइवर ने साइड नहीं दी तो इन्होंने 5 जनों ने मिलकर इन्हीं बदमाशों में सलमान शाहरुख सरफराज आसिक चिंटू फरहान इन्होंने उसके चाकू मार दिया था। उस केस में फरार चल रहे थे और उसके बाद इन्होंने 15 अक्टूबर को रेलवे कॉलोनी इलाके में मोहम्मद हुसैन उर्फ मिंटा है उसके भी इनके सभी इन साथियों ने मिलके और चाकूबाजी की वारदात की। और अभी कुछ दिन पहले थाना नयापुरा में कुलदीप लोधा के साथ भी इसी गिरोह के सदस्यों ने मारपीट की। तो लगातार जब हम ये सारी वारदातों में इसकी तलाश कर रहे थे और इसी बीच में ये पूरा गिरोह हमारे जो एक साथ पकड़ में आ गया। इनके पास एक देसी कट्टा, कारतूस, 3 चाकू, बेसबॉल का डंडा, पाइप, ये सारे सामान इनके पास मिले। ये पेट्रोल पंप डकैती की योजना बना रहे थे। इनका जो है लगातार जो है इस इलाके में जो है सिरदर्द बने हुए थे। तो इसकी जो गिरफ्तारी से जो है वो काफ़ी मतलब जो है अपराधों पर रोकथाम में अंकुश मिलेगा। अब इनको अलग अलग थानों में इनको लिया जाएगा। कौन कौन सा थाना इलाकों में इनके खिलाफ मुकदमा? इनके खिलाफ तो पूरे शहर में अब तक जो प्रकरण दर्ज हैं टोटल, तो पर अभी जो वांछित हैं ये कुन्हाड़ी में रेलवे कॉलोनी में। R9 भारत के लिए कोटा से मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट।